हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद अंजनी। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे तो हैं, लंच के लिए आज हम बनाएंगे यहाँ पे बिहारी स्पेशल थाली। तो सबसे पहले 1 कप मैंने तुअर की दाल लिया है, ये देखिए, ये बिना पॉलिश वाली दाल है। तो इसमें हम डालेंगे पानी और दाल को अच्छे से रगड़ के हम धो लेंगे। दाल को 3 से 4 पानी तक हमें धुल लेना है। तो ये देखिए, मैंने दाल को धुल लिया है। एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें धुली हुई दाल को डाल देंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे हम पानी। तो 1 कप दाल के लिए मैंने यहाँ पे टोटल 3 कप पानी डाला है। थोड़ा पानी मुझे कम लगा तो आधा कप मैंने और डाला है। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसके बाद कुकर का ढक्कन हम बंद कर देंगे, गैस को ऑन कर लेंगे और प्रेशर कुकर को गैस के ऊपर रख देंगे। इसमें 4 से 5 विसल आने तक हम इसे कुक कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने प्रेशर कुकर को ठंडा होने के बाद खोल लिया था, तो दाल अच्छे से पक चुकी है। तो इसे एक छोटे बर्तन में हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये देखिए, दाल बन चुकी है। तो चलिए अब हम तड़का बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक कलछी को हम गरम करेंगे। तड़के के लिए यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ली है। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें सरसों का तेल, क्योंकि ये बिहारी रेसिपी है तो सरसों के तेल में ही हम सारे खाना बनाएंगे। जीरा डाल देंगे 1 चम्मच। 3 सूखी लाल मिर्च डालेंगे, इस तरीके से तोड़ के डाल देना है। हींग डाल देंगे 1 पिंच और लास्ट में डालेंगे इसमें हम फ्रेश कड़ी पत्ता। गैस को कर देंगे ऑफ, इसे थोड़ा सा चला लेंगे और फटाफट इस दाल में हम इसे डाल देंगे। ढक देना है वरना ये जो जीरा है इसके छींटे पड़ सकते हैं। तो ये देखिए, ये दाल बन के हो गई है तैयार। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में। अब मैंने यहाँ पे लिया है आलू, तो आलू को छील लेना है। उसके बाद बीच से इसे कट कर लेंगे और इस तरीके से हम इसमें कट लगाएंगे। ध्यान रहे, नीचे से पूरा कट नहीं लगाना है, ऊपर से ही कट लगाना है। और उसके बाद इसे हम उल्टा करके इस तरीके से पतले पतले टुकड़ों में काट लेंगे। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं आलू की भुजिया। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें आलू को कट करना है। तो आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग आलू को कट करें। मैंने यहाँ पे लगभग 300 ग्राम आलू लिया था, उसे छील के इस तरीके से कट कर लिया है। कट करने के बाद इसे 3 से 4 पानी से बढ़िया से धो लेना है। इसके बाद एक कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल। तेल अच्छे से गरम कर लेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च और जैसे इनका कलर चेंज हो जाए इसमें हम डाल देंगे ये कटे हुए आलू। फ्रेंड्स, दाल चावल के साथ ना ये भुजिया बहुत कमाल की लगती है। तो आप लंच में ये आसान सी रेसिपी ज़रूर से ट्राई करिएगा। इसके बाद इसे चला देंगे, ढक देंगे, इसे 2 से 3 मिनट तक इसे ढक के पकाएंगे। ढक्कन हटा देंगे और फिर इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे वरना ये नीचे से चिपकने लगेंगे। तो अब क्या करेंगे हम इसमें चलाते हुए, उसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़े मसाले। सूखे मसाले डालना है इसमें। तो सूखे मसाले में हमने लिया है हल्दी पाउडर आधी चम्मच, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर आधी चम्मच, थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही यहाँ नमक डाल देना है। मैंने नमक का इस्तेमाल बाद में किया था, यहाँ पर मुझे ध्यान नहीं रहा था, तो आप इसी टाइम नमक डालें। इसके बाद इसे हम चला देंगे और गैस का फ्लेम हम कर देंगे यहाँ पे लो फ्लेम पे ढककर इसे हम चलाएंगे। तो नमक आप पहले ही डालेंगे ना फ्रेंड्स, तो क्या होगा ना कि आलू जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो मैं भूल गई थी, इसलिए मैं आपसे एक बार फिर से कह रही हूँ कि नमक आप मसाले के साथ ही डाल दीजिएगा, तो ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। इसके बाद मिक्स कर देंगे, ढक के इसे हमें 4 से 5 मिनट तक चलाना है। फ्रेंड्स, ये आलू भुजिया ना बहुत ही जल्दी पक के तैयार हो जाती है। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही आसानी से टूट रहे हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, यानी कि ये भुजिया बन के हो गई है रेडी। 1 से 2 बार इसे और चला लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे गैस को ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है चावल, चावल को धो लिया था। प्रेशर कुकर में डाल देंगे चावल, पानी डाल देंगे। चावल के ऊपर तक 1.25 इंच तक पानी रहना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आप किस चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जिस चावल का इस्तेमाल करती हूँ उसमें 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा,
एक सीटी लगाएंगे। चावल बन गई है तो चलिए कर लेते हैं प्लेटिंग। तो एक प्लेट में चावल निकाल लेंगे, साथ ही इसमें ये गर्मा गर्म दाल आलू की भुजिया। ये देखिए मेरे बच्चों को ये लंच बहुत ही पसंद आई थी। साथ ही यहाँ पे मैंने होममेड आम का अचार रखा है, थोड़ा सा खीरा रख लेंगे और डाल देंगे इसमें गर्मा गर्म घी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये बिहारी लंच की रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं तो चलिए इस लंच रेसिपी को ट्राई करने, आप भी इसे ज़रूर से बनाइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी ही न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुश।